हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर 2.1 रैशनल नंबर्स पावर्स। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यूज नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे निकालना है, हमें लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है और यूज़ करना है हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर में हमें नेगेटिव लगाना है, ठीक है, पावर में माइनस हमें लिखना है। तो यहाँ पे चार क्वेश्चन दिया गया है, एक एक करके करें। करेंगे पहला क्वेश्चन है 1/3125, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3125 के हम पहले एलसीएम निकालेंगे, 3125 ये जाएगा 5 से, हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा हो जाता है 30, 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10, 2 कैरी हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा 25, ठीक है, 625 हो गया। फिर से हम इसे 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 कैरी हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा 25। इसे हम फिर से 5 से करेंगे, 5 25 जो हो जाता है 125, उसके बाद फिर से हम 5 से करेंगे, 5 5 जो हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टू 5 आ चुका है, यहाँ पे इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 1/5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 5 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3125 के हमने एलसीएम निकाला है, तो यहाँ पे 5 बार 5 आ चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 है इसलिए 5 पावर में आ गया। उसके बाद हम 1/5 जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 − 5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 1/512, तो यहाँ पे हम 512 के हम पहले एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 512 ये जाएगा 2 से, 2 2 जो हो जाता है 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जो हो जाएगा 10, 1 कैरी, 2 6 जो 12। इसे हम फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जो 2, 2 2 जो हो जाएगा 4, 1 कैरी, 2 8 जो 16। उसके बाद हम फिर से 2 से करेंगे, इसे 2 6 जो हो जाएगा 12, 12 2 4 जो हो जाएगा 8, 2 32 जो 64, 2 16 जो 32, 2 8 जो 16, 2 4 जो 8, 2 2 जो 4, ठीक है। कितना 2 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 power 9, 9 बार हमने 2 को लिखा है, 2 पावर में हो जाएगा 9, ठीक है। इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 power −9, 1/2 ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 power −9, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1/3375, यहाँ पे भी हम 3375 के हम एलसीएम निकालेंगे, 3375 का ये जाएगा 3 से, हम पहले से 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 करिए, 3 5 जा 15। उसके बाद हम फिर से 3 से करेंगे, 3 3 जा हो जाएगा 9, 2 कैरी हो जाएगा 22 हो गया, ये 3 7 जो हो जाएगा 21, 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 3 5 जो हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इसे 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब हम इसे 3 से नहीं कर सकेंगे, इसे हम 5 से करेंगे, 5 25 जो हो जाता है 125। उसके बाद हम फिर से 5 से करेंगे, 5 5 जो हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 बार आया है, हमने यहाँ पे 3 3 बार लिखा और 5 हमने 3 बार लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/5³ × 3³, ठीक है, 5 3 बार आया इसलिए 5 क्यूब, ये 3 3 बार आया इसलिए 3 क्यूब। इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, पावर को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो ये 1/5 जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये पावर में −3 हो जाएगा, यहाँ पे भी −3 हो जाएगा, ठीक है, 5 पावर में −3 × 3 पावर में −3, ये बाई 1 दिया गया है इसलिए हम इसे पावर में माइनस आ जाएगा दोनों में, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1/1 crore 2 lakh 500, इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है,
उससे पहले हम इसे इसको हम इसके हम एलसीएम निकालेंगे, लास्ट में जीरो दिया गया तो इसे हम फाइव से करेंगे। फाइव टू जा टेन, यहाँ पे ट्वेल्व है, टू कैरी हो जाएगा फाइव, फोर जा हो जाएगा ट्वेंटी, फाइव जीरो जा जीरो, फाइव वन जा फाइव, फाइव जीरो जा जीरो, फाइव जीरो जा जीरो, ठीक है। फाइव फोर जा हो जाएगा ट्वेंटी, यहाँ पे ट्वेंटी फोर है, फोर कैरी हो जाएगा, ये हो गया फोर हंड्रेड वन, फोर जीरो वन है यहाँ पे। तो फाइव एट्टी जो हो जाता है फोर हंड्रेड, यहाँ पे फोर हंड्रेड वन है तो वन कैरी हो जाएगा ये। फाइव टू जो हो जाएगा टेन, फाइव जीरो जा जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से फाइव से करेंगे, यहाँ पे फाइव नाइन जो हो जाता है फोर्टी फाइव, यहाँ पे फोर्टी एट है, थ्री कैरी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया थ्री हंड्रेड टू। फाइव सिक्सटी जो हो जाता है थ्री हंड्रेड, यहाँ पे थ्री हंड्रेड टू दिया गया तो यहाँ पे टू कैरी। फाइव फोर जो हो जाएगा ट्वेंटी, ठीक है। उसके बाद हम इसे टू से कर लेते हैं अभी, यहाँ पे लास्ट में फोर दिया गया तो टू से हम करेंगे अभी। टू फोर जा हो जाएगा एट, यहाँ पे नाइन है, वन कैरी हो जाएगा, टू एट जा हो जाएगा सिक्सटीन, टू जीरो से जीरो, टू टू जा हो जाएगा फोर, ठीक है। हम फिर से इसे टू से करेंगे, टू टू जा हो जाएगा फोर, टू फोर जा हो जाएगा एट, टू जीरो से जीरो, टू वन जा टू, ठीक है। अभी लास्ट में वन है, वन ये हम लास्ट में वन है तो ये हम थ्री से या तो हम इसे सेवन से कर सकते हैं, ये थ्री से नहीं जाएगा, ये इसे हम सेवन से करेंगे, ठीक है। सेवन थ्री जो हो जाता है ट्वेंटी वन, यहाँ पे ट्वेंटी फोर है, थ्री कैरी हो जाएगा, ये हो गया थर्टी। सेवन फोर जो हो जाता है ट्वेंटी एट, यहाँ पे थर्टी एट, टू कैरी हो जाएगा, ये ट्वेंटी वन हो गया। सेवन थ्री जो हो जाएगा ट्वेंटी वन, ठीक है, हम इसे सेवन से कर देंगे। सेवन फोर जो हो जाता है ट्वेंटी एट, यहाँ पे थर्टी फोर है, सिक्स कैरी हो जाएगा, ये हो गया सिक्सटी थ्री। सेवन नाइन जो हो जाएगा सिक्सटी थ्री, ठीक है। सेवन सेवन जो हो जाता है फोर्टी नाइन। तो ये हमने एलसीएम हमने निकाल दिया है, अभी हम इसे बिठाएंगे। यहाँ पे देखिए फाइव तीन बार है, हमने यहाँ पे फाइव तीन बार लिखा है, टू दो बार है, टू दो बार आ जाएगा, यहाँ पे सेवन चार बार है, इसलिए चार सेवन जो है ये चार बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइव क्यूब, फाइव तीन बार इसलिए फाइव क्यूब हो जाएगा, टू स्क्वायर हो जाएगा, सेवन पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, पावर नेगेटिव में आना चाहिए, तो इसलिए हम इसे पावर हम वन बाय को हम नहीं लिखेंगे, वन को हम नहीं लिखेंगे, बाय भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये माइनस में चेंज हो जाएगा पावर, ठीक है। ये हो गया फाइव पावर माइनस थ्री इंटू टू पावर माइनस टू इंटू सेवन पावर फोर, ठीक है, पावर माइनस फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसे हम थोड़ा अरेंज करेंगे, पहले हम टू को लिखेंगे, यहाँ पे टू आ जाएगा, टू पावर माइनस टू, उसके बाद फाइव लिखेंगे, फाइव पावर माइनस थ्री इंटू सेवन पावर माइनस फोर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग है। अभी जो हमने किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने चेंज किया था, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसे हम अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइव पावर माइनस एट। तो यहाँ पे देखिए पावर में माइनस एट दिया गया है, यह हम माइनस को निकालेंगे तो ये वन बाय में चेंज हो जाएगा, फाइव एट टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव आया है एट टाइम्स। तो यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे फाइव इंटू फाइव हो जाता है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव हो जाता है वन ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव हो जाता है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव। ये चारों हमने मल्टीप्लाई किया, 625 आया, और ये चारों हम मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, ठीक है, 625 इंटू 625 इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 फाइव ज़ा 25, 2 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 12, 2, 1 कैरी, 5 सिक्स ज़ा 30, 31, 2 फाइव ज़ा 10, 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, 5, 2 सिक्स ज़ा 12, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36, 37, अब हम इसे प्लस कर देंगे, 5 2 6,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ज़ीरो, वन के लिए सेवन एट नाइन नाइन थ्री, तो यहाँ पे आ रहा है 3,90,625। ठीक है, ये आंसर है 1/3,90,625। हमने इंटू कर दिया तो ये आंसर आ चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया पावर में माइनस थ्री, तो यहाँ पे ये माइनस थ्री है इसलिए ये 1/17 पावर 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 पावर 3 का मतलब होता है 17 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/17 × 17 × 17। 17 तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 × 17 होता है 289 × 17 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 289 × 17 7 × 63 6 के लिए हो जाएगा 7 × 56 56 62 6 के लिए हो जाएगा 7 × 14 7 × 14 20 हो जाएगा यहाँ पे 1 × 9 1 × 8 1 × 2 2 3 9 10 11 1 के लिए 8 + 1 9 4 4,913। ये हो गया हमारा आंसर 4,913 1/4,913। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 1/8 पावर में -4, तो यहाँ पे 1/ दिया गया है इसलिए 1/ को हम निकाल देंगे तो माइनस ये निकल जाएगा, तो 8 पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, हम 1/ को नहीं लिखेंगे इसलिए ये 8 पावर में 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई करना है 4 बार, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। ठीक है, 8 × 8 × 8 × 8 8 8 = 64, ये दो 8 मिला के होता है 64 और ये दो 8 मिला के होता है 64, 64 × 64 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 × 64 4 4 हो जाता है 16, 1 के लिए 6 4 = 24 25 6 4 = 24 2 के लिए 6 6 = 36 36 36 38 हो जाएगा ये 6 9 0 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 4,096। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ चुका है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 10 पावर में -5, तो यहाँ पे माइनस को हमें हटाना है, माइनस को हटाने से ये 1/10 पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पाँच बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 × 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है, 10 हमने 5 टाइम्स लिख दिया है। अभी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 5 0 है, तो हम 5 0 लिखेंगे और 1 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1/1 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 पावर में -10, तो यहाँ पे माइनस दिया गया है पावर में, इसे हमें हटाना है, तो इसे हटाने से हमें 1/ को हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर में 10। ठीक है, ये माइनस हटने से ये 1/ भी हट जाएगा, तो ये हो गया 2 पावर में 10। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को हमें 10 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पे हमने 2 को 10 टाइम्स लिख दिया है। अभी हम 2 को 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32। ठीक है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 32, तो 32 × 32 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 × 32 मल्टीप्लाई करने से आंसर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 × 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 2, तो यहाँ पे हो जाता है 1024। ठीक है, ये हो गया आंसर 1024, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 60 पावर में -2, तो यहाँ पे भी -2 दिया गया है, हमें -2 को निकालना है। माइनस जो है वो पावर में नेगेटिव साइन है, ये नहीं आना चाहिए, तो ये हम हटा देंगे, तो ये हटाने से हो जाएगा 1/ ये 1/ आ जाएगा और 60 में पावर में 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस हमने 1/ में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 60 पावर में 2 मतलब 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, 1/60 × 60, अभी 60 × 60 कितना होता है, 6 6 हो जाता है 36 और ये 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/3600, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग सॉर्टेबल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कुछ लॉ से, कुछ फॉर्मूला से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 10^-3, ठीक है, ये ब्रैकेट में है और पावर में 4 दिया गया है। तो यहाँ पे दो पावर है, -3 है एक और एक 4 है। तो देखिए ये दो पावर है, तो दो पावर को हम पहले पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10^-3 इंटू 4, पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो गया है 3 × 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10^-12, 3 × 4 जा हो जाता है 12 और ये माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिर्फ हम पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 5^-8 इंटू 5^-10 इंटू 5^-5। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर में हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे देखिए नीचे में 5 दिया गया है, 5 कॉमन है, 5 हम एक ही लिखेंगे, 5 एक ही आएगा, और पावर को हम प्लस कर देंगे। जब मल्टीप्लाई होता है पावर का नंबर को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, पावर को हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, ये कैसे आ रहा है वो फॉर्मूला को हम लिखेंगे। ए पावर में हो जाएगा एम इंटू ए पावर में हो जाएगा एन। ठीक है, ये होगा ए, देखिए यहाँ पे ए ए कॉमन है, ए एक ही आएगा, इंटू है इसलिए पावर को हम प्लस कर देंगे, एम प्लस एन। ठीक है, पावर जो है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे पावर को हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे देखिए पावर को प्लस किया और नीचे का जो नंबर है उसे हमने एक ही लिखा है, 5 3 है, यहाँ पे 5 एक ही आएगा क्योंकि 5 कॉमन है, और पावर को हम प्लस कर देंगे, -8 प्लस ये -10 प्लस -5। ठीक है, पावर को हमने प्लस कर दिया, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 नीचे आ जाएगा, -8 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस हो जाएगा -5। ठीक है, इसे हमने कैलकुलेट कर दिया है, अभी ये 5 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -8 -10 हो जाता है -18, -18 -5 हो जाएगा -23, 5^-23 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है -8^5, दूसरे ब्रैकेट में दिया है -6। ठीक है, यहाँ पे दो पावर है इंटू -8^-4, तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसे पावर को निकाल देंगे, दो पावर है, दो पावर यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, ये पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -8^12। ठीक है, 2 6 हो जाता है 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू -8^-4 ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे -8, यहाँ पे भी -8 है, ये भी -8, यहाँ पे भी -8 है, तो ये कॉमन है, दोनों -8 में से एक -8 यहाँ पे आएगा, बीच में मल्टीप्लाई दिया है इसलिए पावर का नंबर को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, पावर का नंबर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8^12 प्लस ये -4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -8 नीचे में लिख देंगे, 12 प्लस माइनस हो जाता है -4। ठीक है, तो 12 -4 हो जाएगा, ये 12 -4 हो जाता है 8, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12 -4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर, -8^8। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 5^-4 इंटू 12^-4, यहाँ पे पावर कॉमन है और नीचे में जो नंबर है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को हम एक ले लेंगे और नीचे का नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 × 12 ये यहाँ पे आएगा और पावर एक ही आएगा, दोनों कॉमन है, -4 -4 दोनों में से एक यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 12 हो जाता है 60^-4 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 3^-4^-12 डिवाइडेड बाई 3^-9, यहाँ पे पावर में दो दो पावर दिया गया है, ये पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 3^-4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3^9। ठीक है, ये पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है,
थ्री नीचे में आ जाएगा, थ्री को हम नीचे में लिख देंगे, पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर इंटू टू हो जाता है एट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री पावर नाइन। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवाइड है और यहाँ पे पावर में डिफरेंट है लेकिन नीचे में सेम सेम है, तो ये थ्री थ्री ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और पावर को हम माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई होने से हम प्लस करता था, यहाँ पे डिवाइड है इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, तो फोर माइनस नाइन यहाँ पे आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा थ्री, ठीक है, तो थ्री नीचे में लिख देंगे और ऐसे हम माइनस कर देंगे, फोर माइनस नाइन हो जाता है माइनस वन, ठीक है, फोर माइनस नाइन हो जाएगा वन, और नाइन बड़ा है इसलिए नाइन के आगे में साइन माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री पावर में माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सिक्स पावर एक्स इंटू सिक्स पावर वाई इंटू सिक्स पावर टू, ठीक है, सिक्स पावर टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए नीचे में जो नंबर है वो सेम सेम है और पावर में डिफरेंट डिफरेंट है, और यहाँ पे इनटू बोल रहे करने के लिए, तो ये नंबर को हम एक ही लिखेंगे, ये नीचे का नंबर जो है ये सिक्स 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 ये कॉमन आ जाएगा एक, और पावर को हम प्लस कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई दिया गया है, तो ये सिक्स कॉमन आ जाएगा, तीनों में से सिक्स कॉमन आ जाएगा और पावर को हम प्लस कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस टू, तो ये हो जाएगा सिक्स पावर में एक्स प्लस वाई प्लस टू, पावर को हम प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर में से हम इसे प्लस कर देता था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है इसलिए हम इसको ऐसा ही रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग सर्टेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन को, और कुछ सर्टेबल लॉज मतलब कुछ कुछ फार्मूला यूज़ करके हमें वो एक्सपोनेंट को हमें निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम इसके आंसर को निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है थ्री ए स्क्वायर बी पावर फाइव इंटू सिक्स ए पावर में माइनस ट्वेंटी बी क्यूब, इसे हम सॉल्व करेंगे और इसके हम आंसर को निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसे इसके आंसर को निकालेंगे, तो थ्री इंटू सिक्स हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये नंबर है और यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, और बाकी जो है वो पावर में है नंबर, ये नंबर और ये नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में इंटू दिया गया है, तो हम थ्री इंटू सिक्स यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ए यहाँ पे ए आ जाएगा, पावर में टू दिया गया है यहाँ पे टू आ जाएगा, और ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई दिया है इसलिए हम इसे प्लस करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे और ये माइनस ट्वेंटी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ये कॉमन ए आ जाएगा और पावर को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बी, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे भी है, बी के पावर में माइनस फाइव है, बी के पावर में माइनस फाइव है और यहाँ पे इंटू है इसलिए पावर का नंबर को प्लस कर देंगे, और यहाँ पे बी में थ्री दिया गया तो ये थ्री आ जाएगा, ठीक है, पावर में यहाँ पे माइनस फाइव है, यहाँ पे थ्री है तो ये माइनस फाइव प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला होगा ए पावर में एम इंटू ए पावर में एन, ये हो जाएगा ए एन प्लस ए एम प्लस एन, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, इसे हमने ऐसा करके लिखा है ए पावर एम प्लस एन, देखिए यहाँ पे ए का मतलब ये ए है, ये ए है, यहाँ पे भी ए ए है, पावर में डिफरेंट है लेकिन नीचे में नंबर जो है वो सेम है, तो ये इंटू होने से पावर का जो नंबर है उसे हम प्लस कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ए प्लस एन हो गया, पावर को हमने प्लस कर दिया है, ऐसे करके हमने यहाँ पे भी क्या है ए को हमने कॉमन लिखा और पावर को हमने प्लस कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे अभी हमने बी का भी हमने बी को हम कॉमन लिया है और पावर को हमने प्लस कर दिया है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री इंटू सिक्स हो जाता है एटीन, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू माइनस ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बी नीचे में लिख देंगे माइनस फाइव प्लस थ्री हो जाता है माइनस टू, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फाइव माइनस थ्री हो जाता है टू, फाइव बड़ा है इसलिए फाइव का आगे में साइन माइनस दिया गया तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, उसके बाद एटीन को आप नीचे में लिख देंगे, ए नीचे में आ जाएगा, टू माइनस ट्वेंटी हो जाता है माइनस एटीन, ठीक है, टू माइनस ट्वेंटी हो जाएगा माइनस एटीन, ट्वेंटी बारह नंबर है, ट्वेंटी का आगे में माइनस साइन दिया गया इसलिए माइनस एटीन होगा यहाँ पे, बी पावर में माइनस टू आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है माइनस सेवन के एच पावर में नाइन इंटू के पावर में माइनस सेवन पावर में टू इंटू टी इंटू एच पावर में माइनस टू। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे अभी। तो इसे यहाँ पे देखिए, इसे हमने सिम लिखा है माइनस सेवन के एच पावर में नाइन। यहाँ पे हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दो पावर दिया गया है माइनस सेवन पावर में और यहाँ पे टू भी है पावर में, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के पावर में सेवन इंटू टू, उसके बाद एच पावर में माइनस टू। ठीक है, उसके बाद हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए पावर में नाइन दिया गया है, नाइन सेवन के साथ भी, सेवन में भी है, के में भी है, एच में भी है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर में नाइन दिया गया है, तो ये हम सेवन के साथ भी लिखेंगे, नाइन के साथ भी लिखेंगे, एच के साथ भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन पावर में नाइन के पावर में नाइन एच पावर में नाइन। ठीक है, एच पावर में नाइन होगा, और यहाँ पे भी देखिए एच है, यहाँ पे भी कॉमन है एच, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है इसलिए हम इसे प्लस कर देंगे। यहाँ पे बीच में प्लस आएगा और ये माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एच के पावर में यहाँ पे नाइन है और यहाँ पे एच के पावर में माइनस टू है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद के यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम माइनस कर देंगे, ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सेवन इंटू टू हो जाता है माइनस फोर्टीन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस सेवन पावर में नाइन ये नीचे लिख देंगे हम, दोनों के पावर दोनों के कॉमन है इसलिए कि यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे नाइन है, ये नाइन आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये पावर का नंबर को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ये नाइन यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए पावर प्लस हो जाएगा और यह माइनस फोर्टीन यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद ये एच यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, नाइन माइनस टू यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, नाइन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये टू यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद माइनस सेवन पावर नाइन यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा नीचे में, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, नाइन माइनस फोर्टीन हो जाता है फाइव, यहाँ पे फोर्टीन बड़ा है, फोर्टीन का अगर माइनस साइन देंगे तो माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये एच आ जाएगा यहाँ पे, नाइन माइनस टू हो जाता है सेवन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आंसर ये निकल चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फोर पी पावर टू इंटू टू की पावर क्यूब माइनस क्यूब आर पावर में माइनस सिक्स पावर में थ्री दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे फोर है और यहाँ पे टू है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे फोर इंटू टू, ये पावर स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यूब क्यू पावर में माइनस थ्री आर पावर में माइनस सिक्स और ब्रैकेट के बाहर में माइनस थ्री पावर में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर इंटू टू हो जाता है एट, पी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू माइनस थ्री आ जाएगा, आर माइनस सिक्स आ जाएगा और बाहर में माइनस थ्री पावर में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाहर में माइनस थ्री दिया गया है, ये माइनस थ्री इसके साथ भी आएगा, सबके साथ में माइनस थ्री आ जाएगा, ये एट के साथ भी आएगा, पी के साथ भी आएगा, क्यू के साथ भी, आर के साथ भी माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एट के साथ में पावर में माइनस थ्री लिख देंगे और ये पी स्क्वायर आया है यहाँ पे पी स्क्वायर और यह माइनस थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा टू इंटू माइनस थ्री। उसके बाद क्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्यू के साथ में माइनस थ्री दिया गया है और ये पावर में जो माइनस थ्री है ये भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दो माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री हो जाएगा, ये आर के आर आ जाएगा यहाँ पे, आर के साथ माइनस सिक्स दिया गया है पावर में माइनस सिक्स आएगा और इंटू माइनस थ्री ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबके साथ में हमने माइनस थ्री लगा दिया है, यहाँ पे जितना नंबर है अल्फाबेट है सबके साथ हमने माइनस थ्री हमने पावर में लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एट पावर में माइनस थ्री दिया गया है, यहाँ पे हम एट को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे एट को माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस को हम पहले हटाएंगे, तो माइनस को हटाने के लिए हमने यहाँ पे वन बाय लगाया है, वन बाय लगाने से ये माइनस जो है वो हट जाएगा और एट पावर थ्री डिनोमेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वन एट पावर में थ्री हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे ये इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पी आ जाएगा यहाँ पे टू इंटू माइनस थ्री हो जाता है माइनस सिक्स, क्यू आ जाएगा यहाँ पे थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री हो जाएगा नाइन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री जा हो जाएगा नाइन, आर आ जाएगा नीचे में सिक्स थ्री जा हो जाएगा एटीन, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस वन बाय नीचे में आ जाएगा, वन बाय हम नीचे में लिख देंगे, एट क्यूब हो जाता है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व। ठीक है, पी पावर में माइनस सिक्स आ जाएगा, क्यू पावर में नाइन आ जाएगा, यहाँ पे आर पावर में एटीन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया नाइन पावर में एल एम स्क्वायर बाय थ्री
एल पावर में माइनस थ्री एम पावर में सेवन, ब्रैकेट के बाहर में भी माइनस थ्री दिया गया है, ठीक है पावर में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बाई दिया गया है, इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। बाई को हम निकाल देंगे, बाई का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ये और ये डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए थ्री, ये थ्री आ जाएगा, एल एल कॉमन है, एल यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड है इसलिए पावर को हम माइनस करेंगे, ठीक है यहाँ पे पावर में कुछ नहीं मतलब वन है पावर में, तो एल पावर वन यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड है इसलिए माइनस करेंगे यहाँ पे, और ये माइनस थ्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एम, एम कॉमन है यहाँ पे, एम आ जाएगा, पावर में टू दिया गया, ये टू यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडिंग लाइन है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस सेवन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर में माइनस थ्री पावर में दिया गया है। उसके बाद हम ये थ्री को हम नीचे में लिख देंगे, एल नीचे में आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री, ठीक है। एम नीचे में लिख देंगे, टू माइनस सेवन हो जाता है माइनस फाइव, पावर में माइनस थ्री आ जाएगा। उसके बाद ये थ्री नीचे में लिख देंगे, एल आ जाएगा नीचे में, वन प्लस थ्री हो जाता है फोर, एम नीचे में आ जाएगा, पावर में माइनस फाइव आ जाएगा नीचे में, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस थ्री दिया गया है। उसके बाद देखिए हम ये माइनस थ्री बाहर में दिया गया है, ब्रैकेट के बाहर में ये माइनस थ्री सब के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एल के साथ भी, एम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे हमसे। तो ये थ्री नीचे में आ जाएगा और पावर में माइनस थ्री दिया गया, ये माइनस थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एल में पावर फोर दिया गया, पावर फोर इंटू माइनस थ्री आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद एम आ जाएगा नीचे में, माइनस फाइव यहाँ पर लिख देंगे, इंटू माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसे यहाँ पे देखिए पावर में माइनस थ्री दिया गया, यहाँ पे हम माइनस माइनस को हम निकाल देंगे, तो माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे वन बाई लगा देंगे, और ये थ्री पावर थ्री नीचे में आ जाएगा, थ्री पावर थ्री माइनस हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल आ जाएगा नीचे में, फोर इंटू थ्री हो जाता है ट्वेल्व, माइनस आ जाएगा। एम आ जाएगा नीचे में, फाइव थ्री हो जाता है फिफ्टीन, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद देखिए वन बाई आ जाएगा नीचे में, थ्री क्यूब हो जाता है ट्वेंटी सेवन, एल आ जाएगा नीचे, माइनस ट्वेल्व नीचे में लिख देंगे, एम पावर फिफ्टीन आ जाएगा नीचे में, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, फिफ्टीन पावर फिफ्टीन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर पावर में माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एम ट्वेंटी एक्स माइनस थ्री पावर में थ्री दिया गया, वाई सेवन और ब्रैकेट के बाहर में माइनस टू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, फिफ्टीन और ट्वेंटी को हम पहले कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये थ्री से कैंसिल हो जाएगा, ये फाइव से कैंसिल कर देंगे हम इसे, फाइव थ्री जो हो जाता है फिफ्टीन, फाइव फोर जो हो जाता है ट्वेंटी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री बाई फोर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री बाई फोर, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, वाई आ जाएगा यहाँ पे पावर में स्क्वायर दिया गया और ब्रैकेट के बाहर में क्यूब दिया गया, ठीक है। और डिनोमेटर में हो गया है फोर, ये फोर आ जाएगा यहाँ पे एक्स पावर में क्यूब, एक्स पावर में क्यूब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस थ्री इंटू थ्री हो जाएगा यहाँ पे, वाई पावर में सेवन आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस टू दिया गया है। उसके बाद हम ये थ्री नीचे में आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा नीचे में, वाई आ जाएगा नीचे, ये ब्रैकेट को हम हटा देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमेटर में फोर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा नीचे में, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री इंटू थ्री हो जाएगा नाइन, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, वाई पावर में सेवन आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर में पावर में माइनस टू दिया गया है। उसके बाद हम ये थ्री को नीचे में लेके आएंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा नीचे में, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई आ जाएगा नीचे में, थ्री टू हो जाता है सिक्स, पावर में सिक्स हो जाएगा, माइनस भी नीचे में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिनोमेटर में फोर आ जाएगा नीचे में, एक्स पावर में नाइन आ जाएगा, वाई पावर में सेवन आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस टू दिया गया है। उसके बाद थ्री बाई फोर हम यहाँ पे लिख देंगे, और एक्स एक्स कॉमन है, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स कॉमन है, एक्स आ जाएगा नीचे में थ्री, और यहाँ पे माइनस नाइन दिया है, डिवाइडिंग लाइन है इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, थ्री आ जाएगा यहाँ पे, माइनस डिवाइडिंग लाइन है इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस नाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाई वाई कॉमन है, वाई यहाँ पे आ जाएगा, माइनस सिक्स पावर में है, माइनस सिक्स आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडिंग लाइन इसलिए माइनस आएगा, और ये सेवन यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के बारे में माइनस टू दिया गया है। उसके बाद थ्री बाई फोर को हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स आ जाएगा यहाँ पे, इसे हम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो थ्री प्लस नाइन हो जाता है ट्वेल्व, वाई आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सिक्स प्लस सेवन हो जाता है थर्टीन, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर में माइनस टू दिया गया है, थ्री बाई फोर नीचे में लिख देंगे, थ्री बाई फोर नीचे में आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर में ट्वेल्व, ब्रैकेट के बाहर में टू दिया गया है, माइनस टू दिया गया है, अभी ये माइनस टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। तो थ्री बाई टू के साथ माइनस टू आ जाएगा पावर में, उसके बाद एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ट्वेल्व ट्वेल्व आ जाएगा, इंटू माइनस टू यहाँ पे लिख देंगे,
वाई आ जाएगा यहाँ पे माइनस 13 आ जाएगा इंटू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके साथ भी माइनस 2 लगाया है, इसके साथ भी माइनस 2 और इसके साथ भी माइनस 2 लगाया है। ब्रैकेट के बाहर में माइनस 2 दिया गया था, ये माइनस 2 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ में, तीनों के साथ हमने माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद 3/4 दिया गया, ये यहाँ पे पावर में माइनस है इसलिए हम माइनस को हटा हटा देंगे, तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, 3 नीचे में चला जाएगा, 4 ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। माइनस आ जाएगा, ये पावर में 2 रह जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा नीचे में, 12 2 जा हो जाता है 24, माइनस आ जाएगा, वाई आ जाएगा नीचे में 13 2 जा हो जाता है 26, माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। उसके बाद हम इसे पावर को निकाल देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 4² हो जाता है 16, 3² हो जाता है 9, एक्स आ जाएगा नीचे में, -24 आ जाएगा नीचे में, y 26 नीचे में हम लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 2p पावर में -2 इंटू 4q² पावर में -2 दिया गया, ठीक है। इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2p और यहाँ पे p दिया गया, ये ब्रैकेट के बाहर में -2 दिया गया है, तो ये -2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और p के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 पावर में -2 आ जाएगा और p के साथ भी -2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इंटू 4 यहाँ पे भी हम बाहर में देखिए ब्रैकेट के बाहर में -2 दिया गया, यहाँ पे भी 4 के साथ में -2 आ जाएगा, q के साथ में 2 है, पावर में 2 है और ये -2 भी आ जाएगा, ठीक है, पावर में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाहर में ब्रैकेट के बाहर में -2 दिया गया था, इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे भी -2 ब्रैकेट के बाहर में दिया गया, यहाँ पे भी इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है -2, ठीक है। उसके बाद हम ये इसे और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 2 4 जा हो जाता है 8 और ये कॉमन है, पावर में -2 यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। पी पावर में -2 ये आ जाएगा नीचे में, उसके बाद क्यू आ जाएगा यहाँ पे, पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4, -4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 8 यहाँ पे देखिए 8 दिया गया है, यहाँ पे -2 दिया गया है, 8 को हम पहले 8 की एलसीएम को हम निकालेंगे, यहाँ पे 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 4 8 2 2 जा हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 पावर में 3 लिख देंगे, 2 3 बार आ रहा है इसलिए 2 क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर में लिख देंगे -2, ठीक है, ये -2 ब्रैकेट के बाहर में आ जाएगा, पी पावर में -2 आ जाएगा और यहाँ पे क्यू पावर में -4 आ जाएगा। उसके बाद हम ये पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -2 आ जाएगा यहाँ पे, पी पावर में -2 क्यू पावर में -4 नीचे में लिख देंगे। उसके बाद 2 आ जाएगा नीचे में, 3 इंटू 2 हो जाएगा -6, ठीक है, माइनस यहाँ पे दिया गया इसलिए ये -6 हो जाएगा और यहाँ पे पी पावर में -2 क्यू पावर में -4 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर एक्स, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया, ये 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम एक्स को निकालेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 पावर में 6x इंटू 7 पावर में 3 इज इक्वल टू 7 पावर में 9 इंटू 7 पावर में -3x, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर सेम है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं 7 7 कॉमन है, तो ये 7 आ जाएगा और पावर को हम प्लस कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई दिया गया है, इसलिए हम पावर को हम प्लस कर देंगे, तो ये 7 कॉमन आ जाएगा, 6x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसलिए हम बीच में प्लस लिखेंगे, 6x प्लस 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 7 7 कॉमन है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस होगा, 3x -3x पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस में ब्रैकेट में -3x आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये 7 नीचे में लिख देंगे, 6x प्लस 3 पावर में आ जाएगा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा नीचे में, 9 नीचे में लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -3x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये और ये 7 कॉमन है, इसे हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पावर का नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पावर में क्या है, 6x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x 9 माइनस 3x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 3x नीचे में हम लिख देंगे, नीचे के नंबर को नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ पावर को हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे,
सिक्स एक्स नीचे में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस थ्री एक्स दिया गया है, एक्स एक्स को हम एक जगह में लिखेंगे इसलिए ये सिक्स एक्स को हम नीचे में लिख आएंगे, और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स है ये आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया गया माइनस थ्री एक्स, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाने से ये माइनस प्लस थ्री एक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू नाइन दिया गया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस थ्री दिया गया, ये राइट हैंड साइड में लेके जाने से ये हो जाएगा माइनस थ्री। उसके बाद सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स हो जाता है नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री हो जाएगा सिक्स। उसके बाद एक्स को नीचे लेके आएंगे इज इक्वल टू सिक्स नीचे में जाएगा, नाइन को सिक्स के डिनोमेटर में लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई नाइन, ठीक है। नाइन को हमने सिक्स के नीचे में लेके आया है। उसके बाद इसे हम कैंसिल करेंगे, थ्री से थ्री टू जो हो जाएगा सिक्स, थ्री थ्री जो हो जाएगा नाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एट पावर में एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय फाइव हंड्रेड ट्वेल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एट दिया गया, एट के हम एलसीएम निकालेंगे, एट का एलसीएम हो जाता है टू, फोर जो हो जाएगा एट, टू टू जो हो जाएगा फोर, तो यहाँ पे टू पावर थ्री हो जाएगा, क्योंकि टू तीन बार आया है, टू को हम तीन तीन बार यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टू पावर थ्री। यहाँ पे एक्स माइनस वन दिया गया है ब्रैकेट में, ये आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू वन वन आ जाएगा। यहाँ पे फाइव हंड्रेड ट्वेल्व दिया गया, इसके भी हम एलसीएम निकालेंगे फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के, फाइव हंड्रेड ट्वेल्व का एलसीएम हो जाएगा टू टू जो फोर, टू फाइव जो टेन, वन के टू सिक्स जो ट्वेल्व, टू वन जो टू, टू टू जो जगह फोर, टू एट जो सिक्सटीन, टू सिक्स जो ट्वेल्व, टू फोर जो एट, टू थर्टी टू जो, टू सिक्सटीन जो, टू एट जो, टू फोर जो, टू टू जो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टू टू आया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नौ बार आया है टू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू पावर में नाइन, ठीक है। टू नाइन नाइन टाइम्स आया है इसलिए टू पावर में नाइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री, टू आ जाएगा नीचे में। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में दिया गया है, थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री वन के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। थ्री इंटू एक्स हो जाता है थ्री एक्स, माइनस आ जाएगा नीचे में थ्री वन जो थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये पावर में ये वन बाय दिया गया, वन बाय को हम निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा टू पावर में माइनस नाइन, ये वन बाय माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पावर में माइनस नाइन, ठीक है। यहाँ पे हमें बाय नहीं चाहिए, डिनोमीटर में हमें नहीं चाहिए, ये डिनोमीटर से न्यूमीटर में लेके आना है, तो इसलिए हम इसे माइनस में चेंज कर देंगे, पावर में माइनस नाइन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, टू टू हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम पावर को नंबर को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्री एक्स माइनस थ्री नीचे में आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस थ्री को हम नीचे में लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पावर में माइनस नाइन दिया गया, तो यहाँ पे ये माइनस नाइन नीचे में आ जाएगा, ठीक है। हम नीचे का नंबर को नहीं लिखेंगे, सिर्फ पावर को हम लिख आएंगे नीचे में, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स नीचे में लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस नाइन, ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस थ्री दिया गया, ये राइट हैंड साइड में जाने से ये प्लस थ्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स नीचे में आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, नाइन माइनस थ्री हो जाता है सिक्स, नाइन बड़ा है इसलिए नाइन का साइन माइनस है, माइनस आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस सिक्स, और ये थ्री दिया गया यहाँ पे, ये थ्री माइनस सिक्स के डिनोमीटर में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे, थ्री टू जा हो जाता है सिक्स, थ्री टू जा सिक्स हो जाने से माइनस टू रह जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वन बाय थ्री पावर में एक्स ब्रैकेट के बारे में टू दिया गया, ठीक है, पावर में टू दिया गया इज इक्वल टू वन बाय सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे वन बाय थ्री आ जाएगा एक्स पावर में, उसके बाद ब्रैकेट के बारे में टू आ जाएगा इज इक्वल टू वन बाय, इसके हम एलसीएम निकालेंगे सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन के एलसीएम हो जाता है थ्री पावर एट, थ्री एट टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसके एलसीएम निकालेंगे थ्री आठ बार आएगा, ठीक है। थ्री अगर हम आठ बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे वन बाई थ्री आ जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटू टू हो जाता है टू एक्स इज इक्वल टू, ये हम बाई को हम निकाल देंगे, वन बाई को हम निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री पावर में माइनस एट, ठीक है। ये वन बाई माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री पावर में माइनस एट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वन बाई दिया गया, ये वन बाई को भी हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे माइनस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये थ्री नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, पावर में माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री पावर में माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री पावर में एट माइनस एट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन आ गया, अभी नंबर में कॉमन आ गया, पावर में डिफरेंट है, तो पावर को हम लिखेंगे लिखेंगे नीचे में, और नीचे के नंबर को थ्री थ्री को हम
नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ पावर का नंबर को हम लिख देंगे। तो ये माइनस टू एक्स नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एट नीचे में लिख देंगे। उसके बाद एक्स नीचे में आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एट, और ये माइनस टू नीचे में आ जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो एक्स को हम नीचे में लिखेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा एट आ जाएगा नीचे में, और ये टू एट के नीचे में हम लिख देंगे डिनोमेटर में, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एट बाई टू हो जाएगा, इसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे, टू फोर जो हो जाएगा एट, एक्स इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइव पावर में थ्री एक्स डिनोमेटर में है, फाइव पावर में माइनस फोर इंटू ट्वेंटी फाइव बाई फाइव पावर में एक्स इज इक्वल टू फाइव पावर में ट्वेंटी बाई फाइव पावर में ट्वेल्व। इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये इसे हम सेम सेम लिखेंगे, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इंटू आ जाएगा नीचे में, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, 25 का एलसीएम हो जाएगा 5 स्क्वायर, और डिनोमीटर में 5 एक्स इंच में आ जाएगा इज इक्वल टू, इसे भी हम सेम सेम लिखेंगे, इसे भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसे और इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले ये 5 यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन है, 5 यहाँ पे आएगा, और पावर का नंबर को हम प्लस कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है, तो 3x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर में 3x प्लस 2, ये 3x इंटू है इसलिए ये प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। और डिनोमीटर में भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे 5 5 कॉमन है, 5 यहाँ पे आएगा, और पावर का नंबर को हम प्लस कर देंगे, माइनस 4 प्लस 5x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को हम सेम सेम लिखेंगे, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन है इसलिए पावर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 5 कॉमन है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3x नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x x को हम एक एक साथ लिखेंगे इसलिए हम माइनस 4 को नहीं लिख के हम प्लस x को लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3x नीचे में आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडिंग लाइन है इसलिए माइनस प्लस 2 प्लस x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ हम प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस एक्स को लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद प्लस टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू, उसके बाद ये माइनस फोर यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडिंग लाइन इसलिए बीच में माइनस आएगा, ये प्लस फोर यहाँ पे लिख देंगे, माइनस फोर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे 5 5 कॉमन है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग लाइन इसलिए माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पावर को 12 हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग लाइन इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये 5 यहाँ पे हम लिख देंगे, इसे हम सॉल्व कर देंगे, 3x माइनस एक्स हो जाता है 2x, ठीक है, x के बारे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 माइनस 1 हो जाता है 2x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 4 नीचे में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पे, इसे हम माइनस कर देंगे, 20 माइनस 12 हो जाता है 8। उसके बाद ये 5 नीचे में आ जाएगा, 2x नीचे में लिख देंगे, ये इसे हम प्लस कर देंगे, 2 प्लस 4 हो जाता है 6 इज इक्वल टू 5 पावर में 8 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, ये 5 5 को हम नहीं लिखेंगे, पावर का नंबर को हम सिर्फ लिखेंगे 2x प्लस 6 नीचे में आ जाएगा इज इक्वल टू 8 नीचे में आ जाएगा, ठीक है, पावर का नंबर को हम सिर्फ लिखेंगे, नीचे में 5 दिएगा, 5 नीचे में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ पावर का नंबर को हम नीचे में लिखाएंगे। उसके बाद हम इसे लिखेंगे 2x नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 8, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 6 दिएगा, राइट हैंड साइड में जाने से ये माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसे माइनस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, x आ जाएगा नीचे में इज इक्वल टू 2 आ जाएगा नीचे में, ये 2 के नीचे डिनोमेटर में आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है, 2 1 से 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।